gentlemen, please welcome Yusuf Bashir Qureshi for an opening monologue of Lux Hum Women Leaders Award. Assalamu alaikum. आप सबको हम वेमेन लीडर्स की तरफ से खुश आमदीद। मेरा नाम यूसुफ बशीर कुरैशी है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और आर्टिस्ट यूजली ख़ुद मुख्तार कहलाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वेमेन एम्पावरमेंट का, वो एक बाख्तियार और ख़ुद मुख्तार टॉपिक है। तेरा मुकाम तेरे अपने इख्तियार में है, तू वो तजल्ली है जिसके बगैर तूर नहीं, जो तू ना हो तो कहीं भी कोई वजूद ना हो। वजूद जन से कायम जमी पे रंगे हयात। बरे सगीर में जब भी किसी सूफिया ने बात की तो हमेशा प्यार की बात की, और मजेदार चीज ये कि जब भी बात की औरत बन के बात की, क्योंकि उनको पता था कि असल चाहत तो औरत में है और ये ताकत औरत ही की मीरास है। औरत ने मां की तरह चाहा, बहन की तरह प्यार दिया, सारे इल्जाम खुद पे ले लिए, भाई पे कोई आंच नहीं आने दी। बेगम ने अपना घर छोड़ा, अपना मोहल्ला, अपनी सहेलियां, दोस्त अहबाब, यहां तक के अपना नाम छोड़ा और एक नई दुनिया बसाने चली। तो हम जिस एंगल से देखें, ये ताकत औरत ही की ताकत है। औरत एम्पावर्ड थी, एम्पावर्ड है और एम्पावर्ड रहेगी। अगर बज़्म अस्ती में औरत न होती, अगर बज़्म हस्ती में औरत न होती, ख्यालों की रंगी जन्नत न होती, सितारों के दिलकश फसाने न होते, बहारों की नाजुक हकीकत न होती, जबीनों पे नूरे मुसर्रत न खिलता, निगाहों में शाने मुरव्वत न होती, घटाओं की आमद को सावन तरसते, फिजाओं में बहकी बगावत न होती, अगर बज़्म में इंसान में औरत न होती, फकीरों को इरफान हस्ती न होता, फकीरों को इरफान हस्ती न होता, अता जाहिदों को इबादत न होती, मुसाफिर सदा मंजिलों पे भटकते, मुसाफिर सदा मंजिलों पे भटकते, सफीनों को साहिल की कुर्बत न होती, हर एक फूल का रंग फीका सा रहता, हर एक फूल का रंग फीका सा रहता, नसीमे बहारा में निखत न होती, खुदाई का इंसाफ खामोश रहता, खुदाई का इंसाफ खामोश रहता, सुना है किसी की शफात न होती, अगर बज़्म में इंसान में औरत न होती। बहुत शुक्रिया, बहुत सारा प्यार, बहुत सारे फूल और ढेरों दुआएं। पाकिस्तान जिंदाबाद, खुदा हाफिज़। Ladies and gentlemen, please welcome your hosts for tonight. They are unconventional and trendsetting, Hareem Farooq and Sanam Saeed. Ladies and gentlemen, Assalamu Alaikum. Welcome to the second edition of Lux Hum Women Leaders Awards, presented to you by Lux and powered by Tresemme. It's so overwhelming, surreal, I'm sure a little scary for some of us, but we're moving in the right direction to be here physically and not virtually. आज की रात की एक अच्छी बात ये भी है कि ज़िंदगी फाइनली नॉर्मल होती जा रही है, एंड आई थिंक टुनाइट इज़ अ ग्रेट स्टेप इन दैट डायरेक्शन। सो लेट्स बिगिन दिस इवनिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड बाय रिकॉग्नाइजिंग आवर फ्रंटलाइनर्स एंड एवरी पाकिस्तानी दैट हैज़ हेल्प्ड टू फ्लैटन द कर्व। 200 मिलियन पीपल स्टैंडिंग 6 फीट अपार्ट,
yet 6 times closer, setting an example for the whole world. So let's give it up for Pakistan. Before we move ahead, hum shukriya ada karna chahenge the President of Pakistan, Dr. Alvi, and First Lady Ms. Samina Alvi ka. Sir, by endorsing this event once more, you have truly set an example. Aaj Aiwan-e-Sadr mein aapne ye sham host karke sabit kar diya hai ki Pakistan as a nation not just stands by its women, but celebrates them as well. I'd also like to thank all the dignitaries present here tonight. Your presence has added further authenticity to this platform. Aur ab unka zikr karte hain jinke naam hai aaj ki sham. They say the only safe ship in a storm is leadership. और आज जिन लीडर्स को हम एक्नॉलेज करने जा रहे हैं दे आर अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ दैट. इन्होंने साबित किया है कि लीडरशिप किसी टाइटल या पोजीशन का नाम नहीं बल्कि एग्जाम्पल और एक्शन का नाम है. ऑन दैट नोट मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी एक बहुत ही स्पेशल पर्सनैलिटी को कि वो यहाँ तशरीफ ले आएँ. फॉर द पास्ट 16 ग्लोरियस ईयर्स हर लीडरशिप हैज़ प्रोजेक्टेड द ट्रू कलर्स ऑफ पाकिस्तान टू द वर्ल्ड. प्लीज़ वेलकम द प्रेजिडेंट ऑफ हम नेटवर्क लिमिटेड Miss Sultana Siddiqui. Honorable President of Pakistan, diplomatic community, members of civil society, distinguished guests and jury members, Assalamu alaikum. Please help me welcome this year's recipients of Hum Women Leaders Award. Thank you for being here today at this beautiful venue, for which we are grateful to the President of Pakistan and the First Lady. This building represents the unity of our nation, and tonight we feel that the full force of the Federation of Pakistan is behind the struggle we are celebrating. Our presence here signifies the importance given to women's issues by the presidency. The recipients and their struggle help us give prominence to the issues that are so important to our society. People ask me why these awards and events are important. My view is that unless we celebrate the contribution of outstanding individuals, we can never achieve excellence in our work. Without recognition, there is very little motivation, even though these people have worked day and night to achieve their goals without the thought of getting awards. It was not easy for the jury in choosing the recipients. These are so many stories that we want to celebrate and acknowledge the outstanding achievements of women, and thus we will continue to present these awards every year. I request the honorable friends from the diplomatic community to tell the world about the great work women are doing in Pakistan, so we can create a positive image of Pakistan internationally. और यही बात मैं आप सब लोगों को जो यहाँ पे हैं ख़वातीन और मर्द के हम ख़वातीन को आगे आना चाहिए और हमारे मर्दों को उनको किसी भी सूरत में अब साथ मिलकर अगर वो आगे ले आएंगे तो न सिर्फ घर के लिए सोसाइटी के लिए बल्कि इस पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा होगा और हम बहुत आगे जा सकते हैं और ये इस वक्त वक्त की भी ज़रूरत है. मैं आखिर में फिर से हमारी फर्स्ट लेडी का शुक्रिया अदा करूंगी कि हम सोच रहे थे कि ये नामुमकिन है कैसे हम अवार्ड्स कर सकेंगे. आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी हिम्मत अफजाई की और मुझे कहा कि नहीं मैं हूँ ना. तो वाकई आप हैं और बाहिम्मत खातून भी हैं और जिस तरह कल से आप हमारे साथ खड़ी हैं मैं उसके लिए बड़ी शुक्रगुजार हूं. और आखिर में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूं यहां आने का
क्योंकि आप ही से ही महफिल सजी है। इंशाल्लाह आप देखेंगे, आपको पसंद आएगा हमारा प्रोग्राम। शुक्रिया। थैंक यू सुल्ताना आपा, यू हैव ऑलवेज लेड बाय एग्जांपल एंड टुनाइट इज येट अनदर वन। Now I request the Honorable President of Pakistan, Dr. Arif Alvi, to please join us on stage. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. मैं सुल्ताना आपा का बेइंतहा मशकूर हूँ कि वो ये दूसरा अवार्ड सेरेमनी उन्होंने अरेंज की है, जिसके अंदर जो जिन औरतों ने कामयाबी की मंजिलें तय की हैं उनको रिकग्नाइज़ किया जा रहा है, पहचाना जा रहा है, दुनिया को दिखाया जा रहा है और उनके ज़रिए दूसरों की हिम्मत बांधी जा रही है। ये बेइंतहा ज़रूरी है क्योंकि ये जो काम आपने भी किया और उठाया है और पाकिस्तान के अंदर हम भी कोशिश कर रहे हैं, और सिर्फ यही नहीं कि हम कोशिश कर रहे हैं, इसकी ईंटें बहुत पहले से, जब से पाकिस्तान बना है, मोहतरमा फातिमा जिना ने, बेगम राना लियाकत अली खान ने और बहुत सारी औरतों ने इस सिलसिले के अंदर रास्ता दिखाया है, मेहनत की है, कोशिश की है, हिम्मतें बढ़ाई हैं ताकि औरत को वो मुकाम हासिल हो। मगर मैं आपके सामने कुछ चीज़ों का जिक्र करना चाहता हूँ। अगर आप तारीख देखें तो औरतों का मुकाम जब दुनिया में किसी माशरे में, किसी मज़हब के अंदर, किसी रियासत के अंदर नहीं था, तो इस्लाम ने 1400 साल पहले औरत का मुकाम रिकग्नाइज़ किया। और सबसे बड़ी बात यह कि सिर्फ लफाजी नहीं थी, क्योंकि ये बहुत होता है कि औरत का मुकाम है, औरत का मुकाम है, मगर इस्लाम ने औरत को विरासत में हिस्सा देकर एक बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आया इस्लाम। मगर मैं ये भी आपको कंपैरेटिवली बताना चाहता हूँ, जिस वजह से ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर हम पीछे क्यों गए। कंपैरेटिवली ये बताना चाहता हूँ कि विरासत में हिस्सा जो मिला तो पूरे यूरोप में, पूरे मगरब में, पूरी दुनिया में औरत का विरासत में कोई हिस्सा नहीं था। तो हमारे यहाँ तो ये बात होनी नहीं चाहिए थी कि औरत को माशरे के अंदर इज़्ज़त दी जाए, बराबरी दी जाए, बहुत सारी चीज़ों के अंदर। आपको मालूम है औरतें डॉक्टर बनती हैं, सब कुछ बनती हैं, अच्छी शादियां का एक डायरेक्शन तो हो जाता है, मगर 80% क्लासें आजकल औरतें ग्रेजुएट करती हैं प्रोफेशंस के अंदर, और माशरे के अंदर वो 20% रह जाती हैं। मुल्क का भी इल्म ज़ाया हुआ, इन्वेस्टमेंट ज़ाया हुआ अगर ये फंक्शनल ना की जाए। तो लिहाजा आप भी इनक्रेज करें, माँ बाप भी इनक्रेज करें, जहाँ जहाँ तक आवाज़ जा रही है, आप सब लोग तो अचीवर्स हैं हर लेवल पे कहीं ना कहीं, मगर जहाँ जहाँ तक, इसी वजह से मैं उर्दू में ज़्यादा तकरीर कर रहा हूँ क्योंकि ये बात दूर तक पहुँचेगी, तो जहाँ जहाँ तक बात पहुँच रही है वहाँ तक मैं सोचता हूँ कि एक तो सरकार को और माशरे ने इसका एहतमाम करना है कि उनकी सिक्योरिटी हो, चाहे तालीम के अंदर अगर और गर्ल्स एजुकेशन के अलग इदारे हों बहुत ही अच्छा है, मगर तालीम होना ज़रूरी है। इसी तरह से माशरे में उनको प्रोटेक्ट करना, इस हद तक कि दे शुड नॉट बी इरिटेटेड, हर्ट, हरेस्ट। और मैं इख्तिताम करूँगा अपनी बात को कायद आज़म के उन अल्फाज के साथ, दो ताकतें तो लोग जानते हैं, एक कलम की ताकत है और एक तलवार की ताकत है, मगर जो औरत की ताकत है, जो तीसरी ताकत है, वो इतनी बड़ी ताकत है कि उसके बगैर कौमें तरक्की नहीं कर सकती, उसके बगैर कौमें वो हासिल नहीं कर सकती जो हासिल करना चाहती हैं। तो मेरा और आपका एक ख्वाब है कि पाकिस्तान के अंदर औरत का मुकाम वो हो जो इस्लाम ने तसव्वुर किया था, नॉट द पुअर इंटरप्रिटेशन बट अ डायनेमिक इंटरप्रिटेशन जो इस्लाम ने तसव्वुर किया था। और मुझे यकीन है कि एक नया पाकिस्तान, एक बदलता हुआ पाकिस्तान, एक तरक्की करता हुआ पाकिस्तान, एक कामयाब पाकिस्तान जब ही बनेगा जब औरत जो है वो अपनी पूरी जिम्मेदारियों के साथ माशरे के अंदर काम करे। शुक्रिया ख्वातीन हज़रात। थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट, दोस वर सम वेरी इंस्पायरिंग वर्ड्स। So thankful to hum to give me this platform ki main animals ki awaaz ban sakun yahan pe. ye mera award nahi hai, ye Pakistan ka hai aur ye hum sab ka. I feel so honored today receiving this award.
Welcome to Lux Hum Women Leaders Award, presented by Lux, powered by Tresemme. Ladies and gentlemen, tonight the question isn't who is going to let me, but who is going to stop me? Kyunki hum inspired hain by the courageous leaders amongst us tonight. Unstoppable women. Women who have set the stage for young girls to dream, aspire, and achieve. Aur is saal International Women's Day ki theme hai hashtag choose to challenge. जो इन्हीं जैसी लीडर्स से इंस्पायर होके रखा गया है. सो हरीम, व्हाट डिड यू चूज टू चैलेंज देन? सनम, आई चोज टू चैलेंज पेट्रियार्की. मैं पॉलिटिकली, सोशली, हर एतबार से औरतों और मर्दों को इक्वली पार्टिसिपेट करते हुए देखना चाहती हूँ. बिल्कुल. तुमने क्या चूज किया इस साल सनम? आई चोज टू चैलेंज स्टीरियोटाइपिंग. इट्स हाई टाइम हम हर प्लेटफॉर्म पर अपनी लड़कियों को स्टीरियोटाइपिकल रोल्स में ना दिखाएं. Instead, show them the reality which is sitting right here amongst us. Women who literally move mountains. And before we move on, I would like to take a moment to thank our esteemed advisory committee, Ms. Maliha Lodi, Ms. Amina Sayed, Ms. Rehana Hakim, Mr. Amin Hashmani, and Dr. Huma Bakay. Thank you so much for your support and time. यहाँ मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगी मिस्टर अमीन गुलजी का, हु हैज हैंडक्राफ्टेड ईच प्लेट प्रेजेंटेड ऑन द क्यूब दैट वी आर गिविंग टू आवर लीडर्स टुनाइट. सो लेट अस स्टार्ट विद द सेलिब्रेशंस. आवर फर्स्ट अवार्डी टुनाइट इज समबडी हु हैज मेड अस रियलाइज कि हम इंसान कितने इनसेंसिटिव हो सकते हैं. शी स्ट्राइव्स टू प्रोटेक्ट द मोस्ट पावरलेस क्रिएचर्स वी शेयर दिस प्लैनेट विद. वो उनकी आवाज है जो बेजुबान है. This award is brought to you by Tresemme, and to present this award, I would like to welcome on stage our very own trendsetter, Nabila Masood, and the Federal Minister for Education, Professional Training, and National Heritage and Culture, Mr. Shafkat Mehboob. Assalamu alaikum. Let's have a look at our first leader's journey. Recognized as the most iconic woman in South Asia at Facebook headquarters in 2020. Aisha Chundrigar's journey to give animals a voice has inspired young people all over the world. A humanistic psychotherapist and journalist, she single-handedly started the first and largest animal rescue organization in Pakistan and has rescued and rehabilitated more than 7,000 animals so far. In almost 8 years, the Aisha Chundrigar Foundation has become the leading animal rescue service and sanctuary in Pakistan, paving the way for animal rights to become a norm in society. The spectacular ACF team works tirelessly, trying to rescue as many abused and injured animals to give them a second chance at life. The work Aisha does is not just healing animals, but also involves handicapped people who have undergone abuse as well, proving therapeutic for them. Acid burn survivors, children who are in recovery from drug addiction, and special needs children spend time and get inspired by the resilient and determined spirit of animals to make the most of life. Her life motto is, "I want to inject empathy and kindness into our society through the medium of animals." Hum Women Leaders Awards honors the empathic efforts of Aisha Chundrigar. She chose to challenge abuse. Ladies and gentlemen, please welcome Aisha Chundrigar. Welcome everyone. It is such an honor to stand over here. जब मैंने ये 8 साल पहले शुरू किया था, I never thought that I would be here, let alone ये पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज़ होती. But I am so thankful to Hum to give me this platform कि मैं animals की आवाज़ बन सकूँ यहाँ पर. That I can actually say कि जो अभी हमारे माशरे में animals के साथ जो जुल्म होता है, हमको इसका बहुत हमको देखना है what is going on with them. हमारी सोसाइटी इज जज्ड बाय हाउ वी ट्रीट द मोस्ट वनरेबल एंड द वीकेस्ट एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट इन 8 years वी हैव रीच्ड सो मेनी पीपल एंड सो मेनी थिंग्स हैव चेंज्ड एंड आई रियली होप दिस कीप्स हैपनिंग. आई वुड नॉट बी स्टैंडिंग हियर विदाउट माय वंडरफुल टीम. दिस इज नॉट अ वन मैन एफर्ट टू ब्रिंग अबाउट सच अ चेंज इन आवर सोसाइटी. आई एम सो ग्रेटफुल एंड टू माय फादर हु इज सिटिंग इन द ऑडियंस.
Thank you. I would not be here without you. Thank you. सबसे पहले तो आपको मुबारक हो आयशा. जो आप काम कर रही हैं वो जितना उसकी तारीफ़ की जाए वो कम है. और मुझे बड़ी खुशी है कि ये जब आपको अवार्ड मिला है तो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ. और हम टीवी और हम ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी इनको खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है कि वो रिकग्नाइज़ कर रहे हैं हमारे मुल्क की जो वेमेन लीडर्स हैं उनको. और प्रेजिडेंट साहब, बेगम साहबा, जब से आपने ये उदा संभाला है माशाल्लाह प्रेसिडेंसी जो है वो एक इल्मो अदब और आज इतनी खूबसूरत महफिल है. और इसके लिए आपकी बड़ी मेहरबानी और आपको भी मुबारक. थैंक यू. कंग्रेचुलेशन. पाकिस्तान में जेंडर इक्वालिटी की स्ट्रगल इनके जिक्र के बिना अधूरी है. 13 साल की उम्र में जब इनकी शादी करा दी गई तो किसी ने ना सोचा था कि इस गैर इंसानी रवायत के खिलाफ इन्हीं की आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजेगी. एंड आई कमेंड हर फॉर हर रेजिलियंस. दिस अवार्ड इज ब्रॉट टू यू बाय जैस. एंड टू प्रेजेंट दिस अवार्ड आई लाइक टू इनवाइट वनीजा अहमद एंड आमिर इब्राहिम, सीईओ जैस. Assalamu alaikum Vanisa. Assalamu alaikum Mr. Amir, would you like to say a few words? It's an overwhelming occasion and I'm delighted to be over here. But since we're talking about empowerment, I wanted to highlight that there is a tool that we have today which really empowers women, and that is internet. And internet today in Pakistan and all over the world is accessed through a smartphone. Lekin hairat, taajub aur afsos ki ye baat hai ki Pakistani maashre mein जब ख़वातीन इंटरनेट इस्तेमाल करती हैं या स्मार्टफोन लेती हैं तो उसको बुरा समझ जाता है. और जैज़ और जैज़ कैश की यही कोशिश होती है कि इस किस्म के जो हमारे सोसाइटल बायसेस हैं इनको हम ख़त्म कर सकें. ताज्जुब की ये बात है कि सिर्फ 19% ख़वातीन पाकिस्तान में आज इंटरनेट का फ़ायदा उठा सकती हैं. ओनली 50% ऑफ द वेमेन हैव अ स्मार्टफोन. लेस दैन 10% ऑफ द वेमेन हैव एक्सेस टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट थ्रू अ बैंक. सो हमारी एज ए लीडर एंड एज अ कॉन्ट्रीब्यूटर कोशिश यही है कि सिर्फ ऐसी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस ना क्रिएट करें बल्कि क्वांटिफाइबल स्टेप्स लें और इमिनेंटली हम दिखा सकें कि हमारे माशरे में बेहतरी कैसे हो सकती है. सो वी डिलाइटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस थिंग एंड फील ऑनर्ड दैट वी विल बी टेकिंग आवर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी सीरियसली. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. आइए देखते हैं हमारी इन लीडर की एक इंस्पायरिंग जर्नी. Tabassum Adnan is a name synonymous with courage. She is the first woman in Pakhtun history to be invited to participate in traditional jirga. In 2013, she surprised the world by founding the first all-women jirga. Kuendo Jirga, which means Sisters Council, is a milestone for the women of Sawat. Married at 13, Adnan's journey was full of hardships, but her resilience is a symbol of courage and hope to others. It was a fruit of her labor that the government realized the importance of starting inclusive jirgas. She was the first to be invited at the District Resolution Council of Khyber Pakhtunkhwa, paving the path for local women to participate in the decision-making process. She is a strong advocate of free education for girls, economic independence and strong child marriage laws. In 2015, the US State Department conferred her with the International Women of Courage Award. In 2016, she was presented with the Nelson Mandela Graca Machel Innovation Award in the Individual Activist category. Her life motto is, "If one woman with courage is a revolution, imagine what feats we can achieve together." Hum Women Leaders Award praises every bit of struggle for gender equality made by the inspiring Tabassum Adnan. She chose to challenge gender discrimination. Please welcome Ms. Tabassum Adnan. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सबसे पहले हम टीवी का और सुल्ताना अपा का, हमारी गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया.
काफ़ी सारी रिकग्निशंस मिली वर्ल्ड वाइड और इंटरनेशनली, पर एक ख्वाहिश थी दिल में कि मेरे अपने मुल्क में हमारी अपनी आवाम को, हमारी अपनी गवर्नमेंट को मेरी इस एफर्ट का एहसास हो जो मैं कर रही हूँ। तो आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू अपा सुल्ताना के उनके ज़रिए आज वो मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू मिस्टर आमिर, थैंक यू विनीजा एंड मिस तबस्सुम। सनम, तुम अपने स्कूल डेज में हिस्ट्री में कैसी थी? हरी, मैं बहुत अच्छी थी। अच्छा, फिर तुम्हें ये तो पता ही होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुई थी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जाहिर। वेरी स्मार्ट। आई नो इट वॉज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट बट इट इज एक्चुअली वन ऑफ माई फेवरेट। देन माई फ्रेंड, यू वुड डेफिनेटली नो दैट डिफिकल्टी इज एन एक्सक्यूज दैट हिस्ट्री डज नॉट एक्सेप्ट एंड आवर नेक्स्ट अवार्डी हैज प्रूव्ड दैट। वो एक अक्लेम्ड स्कॉलर है एंड हर रिसर्च हैज हेल्प्ड अस अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन ऑफ साउथ एशियन सोसाइटीज इवन बेटर। शी चोज टू चैलेंज ट्रेडिशनल परसेप्शंस। Let's have a look at her illustrious career. History is not a burden on the memory, but an illumination of the soul. Aisha Jalal is an insightful historian and educationist. Her exemplary research articles and books provide unique insights into the culture and histories of the subcontinent. She was named a MacArthur Fellow in 1998 and currently holds the Mary Richardson Chair at Tufts University. As faculty, Aisha Jalal has taught at several prestigious institutions, including the Harvard University, Columbia University, and University of Wisconsin. Aisha Jalal received the Jean Meyer Global Citizenship Award in 2010 and was also the recipient of the Great Immigrants Award 2012 from the Carnegie Corporation of New York. Government of Pakistan awarded her the Sitara-e-Imtiaz in 2009. Her life motto is, women should be acknowledged, heard and be visible when they make history. Hum Women Leaders Award recognizes the contributions of Aisha Jalal in the fields of history and academic research. Ladies and gentlemen, in line with the new normal trend, Ms. Aisha Jalal is not present physically. However, we have her comments virtually. Let's have a look. I'm honored to receive this award on the occasion of International Women's Day and would like to take this opportunity to thank Hum Network Limited for acknowledging the important role that women are playing as leaders in society. Women's work is rarely acknowledged, something that is true not just of Pakistan, but the world over, with the result that their contributions to society remain unappreciated. But now, this is fast changing, and I'm delighted to be part of the process of identifying and celebrating women for their contributions to society, and in this way, providing models for other women to emulate. Without the aspiration and determination to break the artificial chains that bind women and hold them back from making their contributions to society, it will be impossible to break the structures of patriarchy that have held women back for such a long time. So once again, I'd like to thank Hum for this timely and worthy initiative. Thank you. Congratulations, Aisha. Ye award aapki amanat hai, jo ab tak inshallah pahuncha di jayegi. आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस अवार्ड से नवाजा। मैं उन तमाम पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो अपनी बेटियों को पढ़ा जहेज की बजाय उनको डिग्रियों से नवाजें, डिग्रियों से रुख सकें। Welcome to Lux Hum Women Leaders Award, presented by Lux, powered by Tresemme. Harim, I'm a huge fan of our next recipient.
वो एक एक्सपर्ट ब्यूटिशियन हैं, जिनका मानना है अ स्माइल इज द बेस्ट मेकअप एनी गर्ल कैन वेयर. दिस अवार्ड इज ब्रॉट टू यू बाय लक्स एंड टू डू द ऑनर्स आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन द एवर चार्मिंग ज़ेबा बख्तियार एंड द एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर इशरत हुसैन. Assalamualaikum. Minister Saab, would you like to say a few words? I just wanted to commend Hum TV for organizing these awards. And I wanted to remind everyone that all studies from Africa all the way to Latin America have proved that the highest investment return is in female education. Whether it is infrastructure, whether it is industry, whether it is any other service, if you want a country to develop, you invest in female education, and I can assure you that will bring prosperity to the country. So that's my message to all of you, and I hope that you would follow it. Thank you very much. Thank you. Now, let's have a look at the moving journey of this iconic lady. Makeup is art and beauty is spirit. Pakistan's ace cosmetologist, philanthropist Musarrat Misbah is ahead of her times. She defied all odds and revolutionized the beauty salon industry in the country. As a beauty expert, her contributions to introduce professional and international standards transformed the beauty and self-grooming landscape. In 2003, she conceptualized Diplex Smile Again Foundation to help burn victims. Her organization helped many victims receive the best available medical treatment and psychosocial support. Additionally, these victims are rehabilitated through vocational training, small business setups, and job placements. Musarrat Misbah was awarded with the Pride of Performance in 2010 by the Government of Pakistan. She is also the first Pakistani woman to be recognized for her courage and commitment by the Government of Italy. Musarrat Misbah's vision is not just helping girls regain their confidence, it's empowering them to take charge of their lives and to smile again. Her life motto is, "Your actions must create a legacy that inspire others to dream and do more." The Hum Women Leaders Award honors the excellence and heart-touching humanitarian services of Musarrat Misbah. She chose to challenge rejection by society. Please welcome Ms. Musarrat Misbah. Assalamu alaikum everyone, and thank you so much, Hum Network. Encouragement gives me more strength, aur yahi strength jo hai wo un bachiyon mein transfer hoti hai jinki khoobsurti aur unki muskurahatein cheen li jati hain. Mujhe pata hai ki jab hum sab milkar aim kar lete hain aur uske liye hard work karte hain, and when we start believing in ourselves, तो ऐसे मुमकिन ही नहीं है कि हम वो कुछ अचीव ना कर सकें जो कि हम करना चाहते हैं. और जब मेरी स्माइल अगेन फाउंडेशन की लड़कियां नर्सेस बन जाएं, एमफिल कर लें, अपनी तालीम मुकम्मल कर लें, उनकी शादियां हो जाएं, अपने बिजनेस से शुरू कर दें, तो हम सब खवातीन और हजरात मिलकर ना सिर्फ उनकी ज़िंदगियों को बदल सकते हैं, बल्कि और भी ऐसी बच्चियाँ, ऐसी खवातीन जो कि शायद इंतज़ार कर रही हैं हमारी मोहब्बत और हमारी चाहत जो हम उनकी तरफ लेके जाना चाहते हैं. थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू सुल्ताना. कॉन्ग्रेचुलेशन मिसरत आपा, यू ट्रूली डिजर्व दिस अवार्ड. कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल आर अवार्डीज, यू हैव शोन द वर्ल्ड द ट्रू पावर ऑफ वुमेन. एंड नाउ प्लीज ब्रेस योरसेल्फ्स फॉर अ पावर पैक्ड एनिग्मेटिक परफॉर्मेंस. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the extremely talented Kurutulain Baloch and Umair Jaiswal. Hello.
जाने क्यों लगता है यूं कोई है मेरे रूप रूप मैं देखूं जहां नजर न आए तू है कहां कोई मुझे ये बताए कैसा दिल पे वार किया रे जीना मुझसे मोरा जिया रे जीते जीते मार दिया रे ना It's turning out to be at the second edition of Lux Hum Women Leaders Awards, presented to you by Lux and powered by TRESemmé. Ladies and gentlemen, please, one more time, for QB and Umair Jaiswal. Lockdowns ki ek achhi baat ye thi ke usme hum sabko kuch sochne ka waqt mila. And through this opportunity, hamare bhi kuch observations hain. So ladies and gentlemen, if you want to take notes, हमने रियलाइज किया कि लड़कियों की जिंदगी ऑक्सीजन से ज्यादा रूल्स पर चलती है एंड व्हेन यू फॉलो ऑल द रूल्स यू टेंड टू मिस आउट ऑन ऑल द फन सो इस दफा हमने सोचा कि हम रूल्स और फन को मिला देंगे सो हियर टुनाइट हरीम एंड आई प्रेजेंट टू यू फाइव रूल्स रूल नंबर वन जिंदगी बदलना अपने फोन ढूंढने जैसा होता है अक्सर अपने हाथ में होता है रूल नंबर टू सिंडरेला की स्टोरी का हिडन मैसेज क्या था अगर चेंज चाहिए Try new shoes.
Rule number 3. Opinions are usually free because they don't work. Avoid them. But if you still need help, follow the next rule. Rule number 4. Koi confusion ho, to pehle khud se poocho. Kyunki kabhi kabhi expert advice zaruri hoti hai. Rule number 5. Aapke bure faisle ki bhi ek achhai hai, ke wo aapka faisla hai. I hope these observations will empower you to fly even higher. Sanam, is special occasion pe ek aakhri bumper rule to banta hai. Zarur. Failure se ghabrana nahi hai. Kyunki failure success ka opposite nahi, balki uski taraf jaane ka raasta hai. Absolutely. And for inspiration, you can always look up to these great women that we are acknowledging here tonight. Hareem, one thing I also really love about this platform is how we are commemorating sisterhood. Absolutely. This platform transcends all borders. Aaj hum sirf Pakistan se hi nahi, balki puri duniya se is tarah ke leaders ko recognize kar rahe hain, setting a perfect blend of excellence and inclusivity. In sab ke struggles alag alag hain, lekin inka message ek hai, and that is to believe in yourself. On that note, let's continue celebrating the excellence of some great leaders present here. जो कभी फेलियर से ना ही घबराए हैं और ना ही कभी उम्मीद को छोड़ा है उन्होंने. Our next recipient has devoted her life to create equal opportunities for all. उनका एक रूल है, discrimination नहीं चलेगी. She chose to challenge inequality. Let's have a look at her contributions. Social work has nothing to do with income. It's done for the outcome. This has been the guiding principle of Princess Sarwat Al Hassan. As a young princess, her focus was always on human development. She was the first leader to establish a non-profit education program that offered equal opportunities to every student in Jordan. The Aman Baccalaureate School has transformed numerous lives since 1981. In 1972, she presided over the Young Muslim Women Association and pioneered several initiatives, such as establishing the Bunyad Center for Special Education in 1974, founding the Princess Sarwat Community College in 1980, launching a shelter workshop in 1987, and setting up the National Center for Learning Difficulties in 1995. She has also served as the Honorary Vice President of the Jordanian Red Crescent from 1994 to 2004. Her life motto is, a good education requires more than good qualifications. The Hum Women Leaders Award salute every humanitarian initiative of Her Royal Highness Princess Sarwat Al Hassan. The new normal, however, encourages us to make most of technology, and that is why Her Royal Highness Princess Sarwat Al Hassan will be accepting her award virtually. I'm delighted to be here with you today, albeit virtually, at this ceremony on the occasion of International Women's Day, hosted by Hum TV under the aegis of His Excellency the President of Pakistan. It is an honor to have been selected for the Hum Women Leaders Award, along with so many other ladies who have in their different ways contributed to the fabric of our society and community. Mrs. Sultana Siddiqui herself has done much to enrich the world of television and media in Pakistan, and she is to be saluted for her efforts which have revolutionized television watching for so many people, particularly the young. Ladies and gentlemen, the very fact that I'm having to address you virtually must emphasize to us all the strange and challenging times we're living in. Not just in Pakistan or Jordan, but worldwide. And if we learn just one thing from this difficult period, it is that we have been given the chance to reevaluate our lives, personally and professionally. The ease of travel and communication have, I think, made it all too easy for us to rush about filling our days with things important or less so. Surely now is the time to throw out the dross and concentrate on that which is important, emotionally, spiritually, and yes, even materially. Life is mainly froth and bubble. Two things stand out like stone. Kindness in another's trouble, courage in your own. Let us be kind and have courage, not just when we ourselves are in trouble,
but also in support of others in their misfortune and in their quest for justice and human dignity. Thank you. Thank you, Princess Sarwar. Your award will be delivered to you very soon. Agla award. हम एक ऐसी बाकमाल खातून को प्रेजेंट करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने प्रोफेशनल एक्सेलेंस से ये साबित किया है दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर द पाकिस्तानी वुमन. उनकी कामयाबी में हर पाकिस्तानी की कामयाबी है, उनकी कामयाबी में हर औरत की कामयाबी है. एंड दिस अवार्ड इज ब्रॉट टू यू बाय ट्रेसेमे. आई रिक्वेस्ट द एक्सेप्शनली टैलेंटेड नुमाने जाज एंड एन इंस्पायरिंग पॉलिटिशियन हु होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट वुमन स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान एंड द एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड. शी इज ऑल्सो द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ द इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा. मेरा मानना यह है कि एवरी डे इज अ वुमेंस डे एज मैन हैज हार्डली एनी से. और पिछले 26 साल से जब से मेरी शादी हुई है तो मेरे साथ तो ये हो रहा है ऐसे. तो मैंने अपनी बेगम से पूछा आपका दिन तो मनाया जाता है तो मर्दों का क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा कि 1 मई को आपका भी दिन मनाया जाता है जो कि मजदूरों का होता है. जी मैं सबसे पहले तो सुल्ताना आपा को हम के बजाय मैं कहूँगी सुल्ताना आपा को बिकॉज आई एम विटनेस टू हर स्ट्रगल एंड आई थिंक शी इज़ द epitome of women empowerment. Absolutely. And यहाँ पे उनकी मोमिना भी बैठी हैं, मैं उन्हें भी इस प्लेटफॉर्म से एक्नॉलेज करना चाहूँगी. और मैं ये समझती हूँ ये जो लीडरशिप अवार्ड का है वेमेन लीडरशिप का, वो बहुत ज़रूरी था. एंड आई थिंक क्योंकि वैसे अगर आप देखें हमारे मुल्क में कोई ख़वातीन का किया हुआ कोई काम उस तरह एक्नॉलेज नहीं किया जाता है, और इसलिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी है. क्योंकि मीडिया में जब भी हम देखते हैं तो कुछ नेगेटिव सुनने को ही मिलता है, तो एक हम चैनल है जहाँ से न सिर्फ के ख़वातीन को उनके काम को एक्नॉलेज भी किया जाता है और बल्कि एनुअली ये जो अवार्ड सेरेमनी शुरू की है आई थिंक ये दिस इज़ अमेजिंग ग्रेट इनिशिएटिव एंड ये चलते रहना चाहिए. और मैं आखिर में यही कहूँगी कि ये कोट मुझे याद आती है जब मैं सुल्ताना आपा को देखती हूँ कि अ स्ट्रॉन्ग वुमन स्टैंड्स अप फॉर हरसेल्फ एंड अ स्ट्रॉन्गर वुमन स्टैंड्स अप फॉर एवरीबडी एल्स. लेट्स हैव अ लुक एट आवर नेक्स्ट लीडर्स अनबिलीवेबल जर्नी. एन एपिटमी ऑफ करेज knows what not to fear. Deputy Superintendent of Police Shehzadi Gulfam is an example of bravery. Gulfam became the first Pakistani woman police officer to receive the International Female Police Peacekeeper Award by the United Nations in 2011. In her career stretching for more than 3 decades, she has delivered nothing but brilliance, both nationally and internationally. Her commitment and bravery have paved the way for women in Pakistan to join the police force and shatter gender-based stereotypes. She was the first Pakistani female officer to be deployed in the UN mission in Bosnia-Herzegovina, and she has also served in Kosovo and Timor-Leste. Along with being committed with traffic police officer, Gulfam is a female national amateur golf champion twice and has won 4 gold medals in this sport. Her life motto is hard work, persistence and belief in yourself is what makes you achieve your dreams. The Hum Women Leaders Award recognizes the contributions of Shehzadi Gulfam for global security and peacekeeping. Ladies and gentlemen, she chose to challenge professional biases. Please welcome Shehzadi Gulfam. His Excellency, President of Pakistan, First Lady, Sultana Apa,
सर शफकत महमूद साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरा एक ख्वाब था, मुझे यूनिफॉर्म पहनना बहुत अच्छा लगता था और मुझे अल्लाह ने इतना मुझे अट्रैक्ट करता था यूनिफॉर्म में, कहती थी कि इसकी एक पहचान होती है, इसका पता चलता है कि बंदे की। अल्लाह ताला ने मुझे मेरे जो ख्वाब थे वो पूरे किए। जब मैं पुलिस में आई तो मुझे शौक हुआ कि मैं कोई ऐसा काम करूं जो बिल्कुल डिफरेंट हो, तो मैंने यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। अपने काम से जो अपनी मैंने पहचान की, एक शेर है जिसको मैं सुनाना चाहती हूँ। अरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पे हो, तो लातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो मैंने थैंक यू। मूविंग ऑन, ग्लोबल वार्मिंग इज अनडिनाइबली द ग्रेटेस्ट चैलेंज ऑफ आवर टाइम्स। और हमारी अगली रेसिपिएंट ने ना सिर्फ क्लाइमेट चेंज पे बहुत काम किया, बल्कि उन्होंने अपने पूरे पॉलिटिकल करियर से एक जिम्मेदार ग्लोबल सिटीजन होने की मिसाल कायम की। She chose to challenge marginalization of women in politics. Let's have a look how. Commendable leadership is second nature to Maria Fernanda Espinosa Garces. A successful diplomat, profound academic and seasoned politician, Ms. Espinosa has set an example of women empowerment with her illustrious career. She has headed various ministries such as Foreign Affairs, Defense and Cultural and Heritage in Ecuador. She was the first female ambassador of Ecuador to the United Nations in New York and Geneva. Ms. Espinosa is an active climate change activist. Throughout her journey, Ms. Espinosa has been committed to inclusivity and sustainable development. She has been the Regional Director for South America for the International Union for Conservation of Nature. Ms. Espinosa is the fourth woman in history to serve as the President of the United Nations General Assembly. Her life motto is, "A true societal transformation has to be feminist and green." The Hum Women Leaders Award honors the contributions of Ms. Espinosa for her climate activism and effective representation of women at the global stage. Ladies and gentlemen, again, because of the challenges of the ongoing time, because of the pandemic, we are adapting to the new normal, and Ms. Maria Fernanda Espinosa will be joining us virtually. Ladies and gentlemen, Salam Alaikum. I am truly honored and humbled to receive the Hum Women Leaders Award. As we celebrate International Women's Day, I would like to dedicate this award to all extraordinary women and girls around the world that are devoting their lives to advancing the rights of women, and especially to the women that are at the forefront of the fight against the COVID-19 pandemic. Achieving equality is a categorical imperative, for it leads the way to more peaceful and democratic societies. Gender equality is a stronger predictor of a state peacefulness than its level of democracy or gross domestic product. Where women are more empowered, the state is less likely to experience civil conflict or even go to war. Despite this evidence, women's political participation remains very low. Today, women are not even a quarter of all elected politicians in the world. Women represent only 21% of ministers in government cabinets. And in some countries, women are still not represented at all. We have to change this arithmetic of inequality, address the root causes of gender disparities, and collectively build a society where women's leadership and political participation is not longer the exception, but the norm. Thank you very, very much for this great honor. Thank you, Maria. Your award will be delivered to you. We believe society mein harmony usi waqt qaim ho sakti hai jab dono genders equality ke saath aage badhe. And that is why every year this platform honors one man who is truly setting an example. Hamare agle recipient ke haathon ek nahi
बल्कि 5 लीडर्स की परवरिश हुई है. To honor this exemplary man, I would like to call upon stage the iconic Bushra Ansari ji. अस्सलाम वालेकुम खवातीन व हज़रात. एक बहुत खूबसूरत महफिल, उसका हिस्सा बनना हमेशा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि औरतों को एक्नॉलेज किया जा रहा है. लेकिन आज मैं औरतों के इस खूबसूरत दिन पर एक ऐसे मर्द को ट्रिब्यूट देना चाहती हूँ जो बेमिसाल है, और उनको एक्नॉलेज करना, उनको ट्रिब्यूट देना इसलिए ज़रूरी है ताकि उनको देख के और बहुत से मर्द जो हैं वो अपने घर की ख्वातीन को इसी तरह इनकरेज करें जैसे कि इन्होंने किया है. लेट्स टेक अ लुक एट हिज इनक्रेडिबल जर्नी. मलिक रफीक अवान इज अ ट्रू सुपर हीरो. ही हैज सेट अ प्रेसिडेंट दैट इज बोथ वर्थ अप्रिशिएटिंग एंड फॉलोइंग. थ्रू हिज कन्विक्शन एंड पॉजिटिविटी ही हैज रेज्ड 5 वुमेन लीडर्स. All his 5 daughters have qualified the Civil Superior Service exams and are serving their country with the zeal they have inherited from their father. Awan hails from Haripur, Khyber Pakhtunkhwa, where ironically gender bias is common. On the birth of his 5th daughter, Awan and his wife were looked down upon. That day, Awan and his wife, Khurshid Begum, decided that they'll do everything possible to change this gender discrimination from the society. His eldest daughter, Leila Malik Sher, is Deputy Commissioner, Income Tax Department in Karachi. Shirin Malik Sher is serving as Director at the National Highway Authority, Islamabad. Sassi Malik Sher is Deputy Executive CEO, Chaklala Cant, Rawalpindi. Marvi Malik Sher is appointed as Additional Assistant Commissioner, Aptabad. The youngest, Soha Malik Sher, has just commenced her journey through the Officers Management Group. Today, Awan's daughters are symbol of national pride. His life motto is, "Education is the best ornament that you can give your daughters." The Hum Women Leaders Awards salutes the dedication of Malik Rafiq Awan for going against all odds and setting an example of gender equality. He chose to challenge prejudice. Please welcome on stage Mr. Malik Rafiq Awan. Assalamu alaikum. आप सब के लिए, हम सब के लिए काबिल फ़ख्र हैं और बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत खूबसूरत मिसाल हैं जो बेटियों के लिए नहीं बल्कि बेटों के लिए दुआएं करते हैं. ये बेटियां 10 बेटों पे भारी हैं माशाल्लाह. Can we please welcome on stage two of the daughters who are present here, Sassi Malik Sher and Marvi Malik Sher. मैं सबसे पहले हम चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस अवार्ड के लिए नामजद किया और आज मैं यहाँ पे हूँ. मैं उन तमाम पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो अपनी बेटियों को पढ़ाएं और जहेज की बजाय उनको डिग्रियों से नवाजें, उनको डिग्रियों से रुख सकें. और आखिर में मैं अपनी मिसेज का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरे सारी इस सफ़र में मेरा बहुत ही साथ दिया. थैंक यू. आप रुकिए सही, आपकी बेटियों से हम आपको अवार्ड दिलवाएंगे कि यहाँ आइए. जी सस्सी और मारवी अपने वालिद को ये एक अवार्ड पेश करेंगे. और हम चाहेंगे सस्सी मारवी कुछ आप भी कहें अपने डैड के लिए. हम लोग औरतें एम्पावरमेंट के लिए बहुत कुछ कर रही हैं और करती रहती हैं, और एक दूसरे को एम्पावर भी जहाँ तक मुमकिन होता है, कोशिश होती है, करते हैं. डिफरेंस तब आएगा जब मर्द औरतों को एम्पावर करना शुरू करेंगे. हमारे घर में ये डिफरेंस इसलिए आया बिकॉज माई फादर वॉज अ डिफरेंट मैन. आई जस्ट लाइक टू से दैट एवरी मैन कैन बी अ फादर बट इट टेक्स अ स्पेशल मैन टू बी अ डैड लाइक हिम.
So I am blessed to have a dad and mom like you have. Thank you so much. Thank you very much. Thank you so much. बहुत शुक्रिया एक खूबसूरत मिसाल क्रिएट करने के लिए. बहुत 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 शुक्रिया. Congratulations and that definitely made us emotional. Yes. और इसी के साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि आज रात हम सेलिब्रेट भी तो कर रहे हैं सनम. बिल्कुल. और म्यूजिक बिना क्या सेलिब्रेशन. सो लेडीज एंड जेंटलमैन गेट रेडी टू बी थ्रिल्ड क्योंकि अब आ रहे हैं किंग्स ऑफ द पॉप इंडस्ट्री द एवरग्रीन स्ट्रिंग्स.
Please welcome once again Sanam Saeed and Harim Farooq. Thank you for that mesmerizing performance, strings. Ladies and gentlemen, this is what Lux Hum Women Leaders Awards, presented by Lux, powered by Tresemme, is all about. Triumphs and celebrations of such powerful dynasty of talent. Aaj jahan hum 12 inspiring leaders ko recognize kar rahe hain, wahan hum kuch khawateen ka zikr karenge jinki social contribution unko diye hue credit se kahin zyada hai. Hamari economy ka sabse bada sector agriculture hai. 60% of that agricultural workforce comprises of women. Sanam, similarly in the education sector, 50% of our primary teachers are women. Likewise, aap kisi bhi sector mein economy ke dekh lein, khawateen din ba din excel kar rahi hain. So aaj ki shaam, un sab engineers, social workers, artists, armed forces aur har profession mein mehnat karne wali khawateen ke naam. Sanam, I'm positive. What do you mean? Are you joking? Harim, we don't use that word in public anymore, please. Baba, I'm not saying like that. Then, I mean, I'm hopeful. Okay. Ke bahut jald ek achha change aayega. Ye statistics change honge aur khawateen ki mehnat aur unki contribution ko zarur recognize kiya jayega. Bilkul. The king may rule the kingdom, you know, but it's the queen who moves the board. Exactly, Sanam. Aur aaj hamare saath wohi queens hain jinhone apne hurdle ko, har kism ke hurdle ko checkmate kiya hai. Kya line mari aapne, Harim? थैंक यू. तो रिकग्निशन के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं. कहते हैं सोसाइटी में इंसाफ नहीं तो कुछ साफ नहीं. हमारी ये रेसिपिएंट पाकिस्तान में इंसानी हकूक की एक आवाज़ है जो ना कभी दबी और ना दबाई जा सकती है. टू डू द ऑनर्स, आई'd लाइक टू इनवाइट मिस्टर दुरैद कुरैशी, CEO हम नेटवर्क लिमिटेड. लेट्स हैव अ लुक एट हर एम्पावरिंग जर्नी. अ राइट इज नॉट व्हाट समवन गिव्स यू, it's what no one can take from you. This is the principle of the life and the struggles of prominent lawyer and human rights defender Hina Jilani. Her career has been instrumental in setting new standards for human rights in the country. She is currently serving as the president of World Organization Against Torture. Jilani has also been associated with the United Nations, the International Commission of Jurists, and the South Asians for Human Rights. She was awarded the American Bar Association Litigation Award in 1992 and Peace Prize in 2001, along with other notable awards throughout her journey. Jilani has also been a faculty member at many prestigious universities, including Oxford University. Her life motto is, never stop being outraged, never allow yourself to become apathetic and pessimistic. The Hum Women Leaders Award acknowledges one of the most influential human rights defenders of Pakistan, the unstoppable Hina Jilani. Ladies and gentlemen, she chose to challenge injustice. Please welcome on stage Hina Jilani. Thank you very much. Thank you, Hum, Sultana Sahiba and her team, and of course, all members of the jury. You know, I feel so honored today at receiving this award, and more so because it is in recognition of my work for women's rights. Now, I would also like to dedicate this, because I don't do anything alone, to all those human rights defenders, men and women, who struggle to promote and protect human rights with consistency and resilience despite all the risks that they face and the difficulties they confront. So I congratulate them and thank you very, very much. Thank you. Thank you very much. Congratulations, Hinaji. First of all, Hina Jilani sahiba, aapka bahut bahut shukriya. और मैं सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट लेडी, जूरिस्ट और सारे अवार्ड लेने वालों का, जिन्होंने आज की इस शाम को इतना खूबसूरत बनाया. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, हम हैज़ बिन अ वेरी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन.
लेकिन वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम में लीडरशिप पोजीशन पे कई विमेन हैं। हमारी प्रेसिडेंट एवरीबडी नो सुल्ताना सिद्दीकी, मेरी चीफ कंटेंट ऑफिसर मैमूना सिद्दीकी, माय बेटर हाफ मोमना दुरैद एंड मैनी अदर्स हु वर्क इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा औरतों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखें, और मैं ये कहना चाहूँगा नॉट जस्ट अदर टेलीविजन ऑर्गेनाइजेशंस बल्कि अदर कॉर्पोरेट सेक्टर्स को भी, इफ़ यू हायर मोर वुमेन यू विल हैव बेटर रिजल्ट्स, यू विल हैव अ मोर बेटर सोसाइटी, और उससे हम सब और प्रोग्रेस कर सकेंगे। और हमें ऐसे लोग चाहिए जो हम सब औरतों के लिए और लोगों के लिए फाइट करें ताकि पाकिस्तान एक बेहतरीन सोसाइटी बने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। 11 साल की उम्र में पाकिस्तान की इस बेटी ने दुनिया को हिला कर रख दिया। इस लड़की की हिम्मत और उसका विजन पूरी दुनिया में लड़कियों की तालीम और बराबरी की पहचान बन गया। शी इज अ बैज दैट एवरी पाकिस्तानी वेयर्स विद इमेंस प्राइड। टू ऑनर दिस इंटरनेशनल आइकॉन, प्लीज वेलकम द प्रेसिडेंट ऑफ हम नेटवर्क अगेन, मिस सुल्ताना सिद्दीकी। Let's have a look at her courageous journey, please. One child, one teacher, one book, one pen can change the world. These powerful words by a 16-year-old Pakistani girl shook the world in 2013. As an international icon for education, Malala's journey has pushed the global community to do more for child education. When she was 11 years old, Malala started advocating for girls' education in her hometown that was suppressed by extremists. Shot brutally at the age of 15, Malala's oppressors thought they had put her story to an end. Malala became a universal movement. In 2014, she became the youngest Nobel Prize laureate for her efforts to see that every girl completed 12 years of education. She established the Malala Fund in 2013, along with her role model, her father. She is building a world where every girl can learn and lead without fear. Her life motto is, educating girls means progress for women and the world. The Hum Women Leaders Awards honors the heroic journey and contributions of Malala Yousafzai for education. Chose to challenge status quo. Ladies and gentlemen, Malala is present here in spirit. I'd request the Chief Programs Officer of Malala Fund, Dr. Maliha Khan, who has especially flown in from the UK, to come accept this award on her behalf. Gentlemen, Malala herself has also sent her warm wishes. Can we have a look at that first? अस्सलामु अलैकुम, मैं सुल्ताना आपा हम वुमेन लीडर्स अवार्ड और हम नेटवर्क का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे हम अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग पब्लिक सर्विस से नवाजा। ये मेरे लिए बहुत ही इज्जत और खुशी की बात है, और काश मैं वहाँ पर मौजूद होती। मैं हम ड्रामों की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, ख़ासतौर पर मन माइल से लेकर उडारी तक, और वो ड्रामे जो सोशल इशूज़ पर फोकस करते हैं आप उनको ज़रूर जारी रखें। ये अवार्ड मैं उन तमाम बच्चियों के नाम करना चाहती हूँ जो कि अपने लिए एक मुस्तकबिल का ख्वाब देखती हो, तालीम हासिल करना चाहती हो। पाकिस्तान में मलाला फ़ंड कई सालों से काम कर रहा है। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चियाँ स्कूलों से बाहर है। पाकिस्तान में 12 मिलियन, जो कि 1 करोड़ और 20 लाख बच्चियाँ है, वो स्कूल नहीं जा सकती, और सिर्फ 13% बच्चियाँ नवी जुमात तक जा पाती है। बहुत सारी बच्चियाँ जो है वो स्कूल से बाहर जा रही है क्योंकि या तो उन पर माशरे का प्रेशर होता है, या उनको उनके वालदेन उनकी तालीम को तरजीह नहीं देते, या उनको सवारी ट्रांसपोर्ट का मसला होता है, या स्कूल में
फीमेल असातिज़ा नहीं होते और वो कल्चरल मसाइल सामने आ जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से बहुत सारी बच्चियाँ अपनी इस हक से महरूम हो जाती है जो कि उनका आईनी हक है, इंसानी हक है कि वो स्कूल जा पाए। और ख़ास तौर पर इस कोविड के टाइम में बहुत सारी बच्चियाँ जो है वो अब घरों में हैं और उनके लिए तालीम तक रसाई बहुत मुश्किल हो गई है। तो मलाला फंड की अब ख़ास प्रोजेक्ट्स है जो इस वक्त की तालीम पर तवज्जो दे रहे हैं कि कोविड के टाइम में बच्चे अपनी तालीम जारी रखें और वो स्कूलों से बाहर ना हो, और जब स्कूल और सब कुछ नॉर्मल हो जाए तो वो अपनी तालीम जारी रखें। तो इंशाल्लाह एक ऐसा पाकिस्तान बनेगा जहाँ पर हर एक बच्ची स्कूल जा पाएगी, वो पढ़ पाएगी, वो लिख पाएगी, वो ख्वाब देख पाएगी, वो उनको पूरा कर पाएगी। और इंशाल्लाह एक ऐसा पाकिस्तान बनेगा जहाँ पर हर एक बच्ची अपने तालीम हासिल कर पाएगी। Dr. Maliha, would you like to say a few words? Just on behalf of Malala and on behalf of all the millions of girls out there who are struggling to get their education, Pakistan maybe, or pure duniya mein, thank you so much. Really honored. Thank you. Congratulations, Malala. Thank you, Sultana Appa and Dr. Maliha. Now, we are about to recognize one of the greatest artists of our time. Sufism ki sabse jahani pehchani safir. दुनिया के हर कोने में इनकी आवाज ने अमन का पैगाम पहुंचाया है। दिस अवार्ड इज ब्रॉट टू यू बाय लक्स, एंड टू प्रेजेंट दिस अवार्ड प्लीज वेलकम द फर्स्ट लेडी मिस समीना अल्वी। आइए इनके सुरीले सफर की कुछ झलकियां देखते हैं। शी डजंट प्रेजेंट हर वॉइस टू द वर्ल्ड, शी रेजोनेट्स हर सोल। Aapta Parveen is the uncrowned empress of Sufi music, enthralling music lovers for the past four decades. She is considered an icon and is amongst the 500 most influential Muslim artists in the world. In 1995, she was one of the first Asian musicians to perform at the Smithsonian Gallery, USA. She was the first South Asian invited to the Manchester International Festival in 2013. She was nominated as the Ambassador of Peace by SAARC countries in 2013. Recipient of the prestigious Shah Abdul Latif Award and Hazrat Lal Shahbaz Kalandar Award, she has also been awarded a Fellowship on Sufism by the Governor of Sindh in 1994. Recipient of 8 Pride of Performance Awards, the Sitara Imtiaz and Pakistan's highest civilian honor, the Hilale Imtiaz 2013. Her life motto is, I want to reach the depth of Sufism with my music. The Hum Women Leaders Award salutes Pakistan pride. Aapta Parveen for her lifelong contributions in the field of music. Ladies and gentlemen, she chose to challenge all barriers through her voice. Please give a warm welcome to असल में जो अचीवमेंट है वो अपने अंदर का चैलेंज, जो अपने अंदर को चैलेंज करता है, अपने आप को चैलेंज करता है, वो एक स्पार्क है आगे बढ़ने के लिए, एक रोशनी है। जैसे आप सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा, उन्होंने अचीवमेंट किया, पर मैं ये सोचती हूँ बार बार नई नई सोच जो है वही अचीवमेंट है जो इंसानियत के लिए बहुत बड़ी इंसानियत से निस्बत है। और मैं उन सब लेडीज़ जो अपने काम में आला हैं, मैं उनको सलाम पेश करती हूँ। जी चाहे तो शीश
शिक्षा बन जा, जी चाहे पैमाना बन जा, जी चाहे तो मैं बनकर शीशा पैमाना क्या बनना, मैं बन जा मैं खाना बन जा। यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि मैंने आज इतनी बड़ी हस्ती को अपने हाथ से अवार्ड दिया, बहुत खुशी की बात है, बहुत मेरी खुशकिस्मती है, बहुत शुक्रिया। सुल्ताना आपा के लिए मैं कहूँगी थोड़ा सा कि जो सुल्ताना आपा काम कर रही हैं वो इस कदर हसीन और इतना खूबसूरत काम कर रही हैं हमारी बेटियों और बहनों के लिए, जो मेरा ख्याल जितना भी अप्रिशिएट किया जाए कम है। इन्होंने जब मुझे फ़ोन किया तो मैंने कहा अपनी बहनों और बेटियों के लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं इंशाल्लाह हम चेंज लाएंगे, आप सब से है कि हम सब मिलके काम करेंगे और इंशाल्लाह कोई ना कोई अपनी बहनों और सबके लिए तब्दीली लाने की कोशिश पूरी करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सुल्ताना। थैंक यू सो मच फर्स्ट लेडी एंड आबिदा जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, तय दिल से आपको सलाम है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इफ करेज एंड ब्रेवरी हैड अ फेस, नो वन कुड बेटर रिप्रेजेंट देम देन आवर नेक्स्ट रेसिपिएंट। हर जर्नी मेक्स अस ऑल प्राउड। Let's have a look at her untiring commitments. Lieutenant General Nigar Johar is the first ever female three-star general in the history of Pakistan and the first female Surgeon General of Pakistan Army. Hailing from Panchpir village in Swabi district, Nigar Johar was also the first female commandant of any armed forces unit and the first female to have commanded the largest hospital of Pakistan Army. Besides being an expert in hospital administration, public health, disaster management and emergency preparedness, she is also an expert markswoman. She is the recipient of Fatma Jinnah Gold Medal, Tamka-e-Imtiaz and Hilal-e-Imtiaz, along with an honorary membership at the Royal College of Physicians UK. Her untiring commitment, relentless resolve and infectious positivity enabled her to not only convert the largest hospital of armed forces into COVID facility within an unimaginable time, but has also been a source of constant inspiration for all of us. Hum Women Leaders Award acknowledges the efforts of Lieutenant General Nigar Johar's contributions in healthcare, national development and security. Ladies and gentlemen, to honor this daughter of the soil, please welcome His Excellency, the Honorable President of Pakistan, Dr. Arif Alvi. She chose to challenge the impossible. Please welcome Lieutenant General Nigar Johar. Honored to receive this award from the president, an iconic leader and a truly powerful and a great supporter of women empowerment. I'm also humbled by the presence of so many amazingly beautiful, brilliant and talented women and women leaders that are present here. My ultimate gratitude is to Allah Almighty for all the honors that I have. And I am thankful to Pakistan and Pakistan Army for all that I am today. I believe that women, Pakistani women, every one of them is blessed with immense qualities and potentials.
All they need to do is to explore them and to utilize them. And after seeing Rafiq Malik Awan Saab, my message today would be to the men that please support to educate, grow, and progress the women. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Mr. President, and congratulations. Congratulations to all our winners, and thank you everyone for being such a wonderful audience. Sanam, aaj is khubsurat shaam ke baad ye baat to samajh aa gayi ki leadership ka matlab authority nahi balki influence hai. Absolutely. To all the girls out there, you were born with wings. Don't be scared to fly. Agle saal phir mulaqat hogi mazeed inspiring leaders ke saath. Till then, main hu Sanam Saeed aur main hu Hareem Farooq. पाकिस्तान जिंदाबाद।